Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So students, in previous class we discussed till exercise 2.1. I hope you understood and completed your work. Okay. So now in this class we discuss exercise 2.2. Okay students. So find the sum. Complete question आपके book में आपको given है. So मैंने only यहाँ पर small short form में लिखा है. So हमें sum find करना है. ठीक है, sum find करेंगे easily, ये हमको आता है. बट हमें क्या करना है, इसमें रीअरेंज करके सम करना है. ठीक है, सो रीअरेंज कैसे करेंगे, यानी कि हमें सम ऐसा करना है कि हमें सम करने में बहुत इजी सा इजी गोइंग हो. ठीक है, सो कैसे करें, अब देखो हमारा मेन पर्पस क्या रहता है रीअरेंज करने का, कि हम इजीली इसको ऐड कर पाए हमें बिना किसी के. सो हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस होता है जो वन सप्लाई होता है उसको जीरो बनाना. फर्स्टली हम चाहते हैं कि हम ऐसे जो जो नंबर है उनको ऐसे अरेंज करें कि उनको ऐड करने पे हमारा वंस जीरो बन जाए. ठीक है, सो हम देखते हैं कि हमारा जीरो किस में बनता है. 837 को मैं यहाँ पर 7 है और यहाँ 8 है, 8 प्लस 7 करूँगी तो 15 आता है, तो मेरे ये जीरो नहीं बन पा रहा है वंस. तो अब मैं देखती हूँ 7 प्लस 3 करूँ तो जीरो बन जाएगा ना. सो मैं इन दोनों टर्म्स को साथ में ले लेती हूँ. सो फर्स्ट ए पार्ट इज 837 प्लस 363 प्लस 208. ठीक है, सो हम इसको ऐड करते हैं. सो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 10 1 कैरी. ठीक है, 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10 अगेन 1 कैरी. 8 प्लस 3 11 11 प्लस 1 12. सो इसका इजी था ना सम करना, आप इसमें 208 कर दो सो ये बहुत इजी हो जाएगा. तो करो 0 मैं 8 ऐड किया, 8 0 प्लस 0 0 2 और 2 4 एंड 1. इजी और नॉट, यस. सो बी पार्ट इज योर होमवर्क. सो हमें स्टेप्स को अरेंज करना है कि वन स्पेस पर हम क्या बना सके, जीरो का फॉर्मेशन कर सके. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर. सो इसमें भी आपको देखना है कि आप कौन कौन से टर्म को साथ रखकर जीरो का फॉर्मेशन कर सकते हो. देखो इसमें इस वाले टर्म को आप साथ में रखोगे तो जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इन दोनों को साथ में रखोगे तो इनसे भी जीरो का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो यू कैन डू इजीली सॉल्व. ओके, सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट करना है. तो सिमिलरली इसमें भी हमें रीअरेंज करना है, टर्म्स को रीअरेंज करना है. सो करें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा पर्पस मेन पर्पस था जीरो बनाना. ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, पहले स्मॉल स्मॉल जो क्वांटिटीज है मैं उनको अपने साथ एक जगह पर करके उनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. सो मेरी स्मॉल क्वांटिटी 2 एंड 50, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1768. ठीक है, ये साथ में मैंने इसको कर लिया. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ क्या किया मैंने, फर्स्टली हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं ना फर्स्ट. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 क्या था, कितना आ गया 100. अब ये कितना आ गया, 100 बैक हो गया. तो मैं ना किसी भी नंबर को 100,010 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है ना, होता है कि नहीं होता. सो इसके करना है मुझे, इसके आगे डबल जीरो लगानी है. सो ये मेरा इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी था. अगर मैं क्या करती इसको इससे करती तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इतना लंबा वर्क करना पड़ता. अगर 2 से करती तो भी करना पड़ता. सो हम क्या करेंगे, इस स्टेप से इसको अरेंज करेंगे कि हमें ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े. ठीक है, सो इट इज योर ए पार्ट. नाउ वी टेक पार्ट एफ. आप देख रहे होंगे सब जो पार्ट एफ है वो क्या है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना देखने में कि मामले तो 4-4 है कैसे होगा. ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कैसे सॉल्व करें. ठीक है, तो आप कैसे करोगे, अब खाना तो थोड़ा सा बना कर भी खाना पड़ता है, हर चीज तो हम नहीं बन सकती ना. तो आप किसी ना किसी चीज को हमें अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं क्या बोला रीअरेंज करो, तो सारा बना बनाया खाना तो नहीं देगा वो. तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा. सो स्ट्रगल क्या करना पड़ेगा बताओ थोड़ा सा करो, किस किस को करोगे बताओ, किस किस को साथ साथ कर सकते हो.
करना पड़ेगा 40 × 25। अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने ये सोच के किया कि जो 25 4 जाए कितना होता है 100, 100 और एक मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, तो 1000 आ जाएगा, आ गया ना ये 1000। तो इसको तो मेरे को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने ये देखा 125 मल्टीप्लाई बाय 8 तो क्या आ जाएगा जब हम 110 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो करके देख लेते हैं कितना, सा तो करना भी पड़ेगा। 8 × 5 = 40 क्योंकि वन स्पेस 40 बन रहा था इसका, 8 × 2 = 16, 16 + 4 = 20, सो 2 इज कैरी, 8 बन जाए 8 × 2 = 10, तो ये भी कितना आ गया 1000 आ गया, सो 1000 × 1000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो गया, आ गया आपका आंसर। सो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सो ये इजी था ना, हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने का नहीं हुआ। सो नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स प्लीज डू प्रैक्टिस बिकॉज यू कैन इंप्रूव योर मैथ्स बाय प्रैक्टिस, ओके। सो डू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपलीफिकेशन करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन गिवन मैंने आपको पार्ट बी लिया है क्योंकि पार्ट ए इसका जैसा बिल्कुल सिमिलर है, बट ये थोड़ा सा बिग नंबर में था, सो मैंने इस नंबर को बी को सेलेक्ट किया। अब देखो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई थी, पापा आए मिठाई किसमें लेकर आए थे, रेपर में। क्या बोला मैंने, पापा आए मिठाई रेपर में लाए, पापा आए मिठाई रेपर में लाए, भैया दीदी को बांट दी, बाटी थी ना मेरी दीदी को। सो a to b + a to c, तो अब क्या बोलते हैं, पापा ने मिठाई वापस ले ली, है ना, पापा वापस मिठाई ले ली, पापा ने क्या ले ली वापस से। अभी देखो इस तरह से ये क्या बैठा हुआ है, यानी कि ये क्या है मिठाई, ये दोनों में क्या है सेम है, सेम है, तो इसको हमने क्या बोला हमारी मिठाई, यानी कि वैल्यू ऑफ ए। एंड द बोथ आर डिफरेंट, बी एंड सी, भाई एंड बहन। सो हमने क्या बोला, पापा आए वापस से मिठाई ले ली, यानी कि ये हमें इस फॉर्म में गिवन है, सो हमें इस फॉर्म में इसको यूज करना है, करना है ना। सो हमें क्या करेंगे, अब इसको इस फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि इसमें से ए को कॉमन लेंगे, यानी कि मिठाई को वापस मांग ले। तो मिठाई क्या है हमारी यहाँ पे 5, 4, 2, 7, 9, ये क्या थी हमारी स्वीट है मिठाई, है ना, पापा ने वापस मांग ली, भैया भाई भैया दीदी अकेले हो गए वापस, भैया दीदी को मिठाई नहीं मिली, तो भैया और ये दीदी आ गए, ये मिठाई बाहर आ गई और ये भैया और दीदी, ठीक है। अब 92 + 8 कितना होता है 100, कितना होता है 100, सो 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, सो यू कैन डू इजीली, ओके। नाउ वी गेट आवर आंसर, ओके ना, यस। नाउ वी डू क्वेश्चन डी, सो डी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हम मिठाई ले ले रिटर्न रिटर्न से, तो 4 हो गए, है ना, कितने हो गए, तो बहुत सारे हो गए, पहले तो सिर्फ दो दो ही थे भैया दीदी, अभी कितने सारे आ गए, पता नहीं कौन कौन आ गए, तो है ना, हमारी तो प्रॉपर्टी ऐसी थी नहीं सिर्फ भैया दीदी के से रिलेटेड थी, तो अब हम क्या करते हैं इसको भैया दीदी वाली चीज में कन्वर्ट करते हैं, चाचा के कजन वगैरह सब आ गए इसमें, तो हम उन्हें नहीं खिलाएंगे मिठाई, ठीक है, तो उनसे वापस मिठाई नहीं ले सकते ना, तो हम इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे, देखो मिठाई का हमें तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, सो रेडी मिठाई खाने के लिए वापस लेनी है ना हमें, सो कैसा ले लिया, इधर 3 फिगर्स है इधर ये, तो इधर देखा तो 1845 बहुत बड़ा है, ठीक है, 700 वाला इक्वल इक्वल है, सो हमने क्या देखा, क्या देख सकते हैं, ये क्या 25 है, 25 को हम ब्रैक कर सकते हैं क्या, कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वी कैन डू इजीली ब्रैक, सो 769 × 5 × 5 × 218 + 384
769 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3845 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3845 आ जाएगा इनटू 218 इज एज इट इज। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत की हमने तो यस एज इट इज। अब देखो इसमें मिठाई पापा ज्यादा लाए थे क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना तो मिठाई में से क्या होनी चाहिए, एक ही मिठाई से तो क्या होता, एक ही स्वीट के बॉक्स से तो क्या होता। सो देखो इसमें ये भी मिठाई और इसमें ये वाली भी मिठाई, तो क्या है पापा मिठाई के साथ चॉकलेट भी लाए, सो हम इनको वापस से मांग रहे। ठीक है दीदी भैया वापस दे दो चॉकलेट एंड हमारी स्वीट। सो कितना भैया दीदी अकेले रह गए वापस से, रह गए भैया दीदी अकेले कि नहीं रहे, रह गए ना। सो अब देखो ये एज इट इज, अब भैया दीदी का ऐड करो कितना आएगा, ऐड करो 2 और 8 कितना आ जाएगा, 2 और 8 10, 2 8 and 1 9 9 and 1 and 7 2 and 1 10 यानी कि कितना आ गया 1000। ठीक है अब ये 1000 आ गया, अब क्या करेंगे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, फिर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है ये मल्टीप्लाई बाय 1000। सो कितना आ जाएगा 19225। ठीक है ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है आप इसको सॉल्व करना, यू गेट योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स सो एक और बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो इजी होगा। ये मेरा क्वेश्चन था 25 को हमने ब्रेक कर दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, जब हमने इस चीज इस टर्म को क्या करा मल्टीप्लाई करा देन वी गेट दिस टर्म। ओके सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह बन चुका है, दे बोथ आर सेम। सो हमने इनको वापस बाहर निकाल लिया, मिठाई चॉकलेट चेक वापस ले गई तो रिटर्न भैया एंड दीदी इनके पास यही बचा। ठीक है सो इन दोनों को ऐड करके 1000 एंड इनको मल्टीप्लाई किया तो दिस वैल्यू, सो वी मल्टीप्लाई बाय 1000 वी गेट दिस आंसर। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज सूटेबल प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी सूट कर रही है। ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो बताई थी ना मैं कुछ प्रॉपर्टीज की, नहीं बताई थी, बताई थी। सो आंसर 4, सो आपको प्रॉपर्टी का नाम खुद से लिखना है, मैं सिर्फ यहां सॉल्व कर रही हूं कि कौन सी वाली है और खुद से सोच के आंसर देकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है कंप्लीट वेब सेंड करेंगे सभी बच्चे मुझे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, ये था, आप इनको ब्रैक करें, ब्रैक कैसे करें इजी सी फॉर्म में करें ताकि हम अपना आंसर इजीली पुट अप कर सके ना। सो हम इसको ब्रैक कैसे करेंगे बताओ, सोचो कैसे कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, टेल मी फास्ट, बोलो बोलो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या इसमें। तो क्या करें 738 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3, इसको ब्रैक कर दिया भाई बहन बना दिया, सो 3738 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मिठाई भैया दीदी दोनों को दे रहे, सो 738 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इसको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा 73800। ठीक है अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 738 मल्टीप्लाइड बाय 3 1309 and 1100 2204। ठीक है अब इनको ऐड कर दो, ऐड करना आता है कि नहीं आता, सो 400 7600 4। ठीक है जब हमने इसको ऐड किया तो व्हाट वी गेट नाउ दिस वैल्यू। ओके सो वी गेट दिस वैल्यू 014 सॉरी
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करो सब। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक और बार देखते हैं, ये हो गया ठीक है। अब इसको एक और बार अच्छे से सबने मल्टीप्लाई करना है। 3 8 3 24 2 है यहाँ पे, कह रही हमने पहले बंद किया था ना, 3 3 9 2 11 गलत हो जाता ना, किसी ने बोला भी नहीं। 7 3 21 21 and 20 यहाँ पे 4 सो 24 अब कितना आ जाएगा, इसको ऐड कराता हूँ हमने, कितना आ जाएगा 7 3 8 00 2 2 1 4 4 1 6 ये सो कितना आ गया 7 6 0 1 4। ओके स्टूडेंट्स क्लियर, नाउ वी डू पार्ट डी। सो डी पार्ट को सॉल्व कर लो। अब इसमें कौन सा वाला हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करना ज्यादा इजी रहेगा, सो ब्रेक कर उसको। 1000 प्लस 5 कर दो उसको ब्रेक, मल्टीप्लाई बाय 168 ठीक है। सो इसको ऐसे ब्रेक किया तो अब कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 68 168 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 168। सो इसको सॉल्व करा दो, इसको सॉल्व करो, 168 मल्टीप्लाई बाय 5 करो कितना आने वाला है, ठीक है कर लो स्टार्ट करें इसको। 168 मल्टीप्लाई बाय 5 5 8 जा 40 6 5 जा 30 30 है ना 34 3 के लिए तो 5 जा 5 8 8 8 8 4 0 ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, सो 1 6 8 4 8 4 0 जब आप उसको इसमें ऐड करोगे तो हमको अपना आंसर ये आ जाएगा ठीक है। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम उसके बाद के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू होमवर्क।